हाय, मैं डॉक्टर विश्वप्रभा चौधरी। इस वक्त आप देख रहे हैं, मैं हिम्स हॉस्पिटल में हूँ और हॉस्पिटल में ये मेरे पास दवाइयाँ हैं। ये दवाइयों से आप अपनी शुगर को रिवर्स कर सकते हैं। 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में या 7 दिन के अंदर तो रिवर्स कर ही सकते हैं। रिवर्स मतलब कि बिना दवाइयों के आपका ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाएगा। आप अगर देखें, ये हिम्स हॉस्पिटल में हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, या चारों तरफ एक बार घुमा के दिखाइए। ये जो देख रहे हैं, ये पेशेंट हैं, लेकिन इन पेशेंट की खासियत ये है कि इनमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ आने से पहले थोड़ा बहुत DIP डाइट आपने किया, और DIP डाइट करने के बाद आपका ब्लड शुगर तो नॉर्मल हो गया, लेकिन आपकी जो बाकी दिक्कतें थी, जैसा आप बताएंगे इनसे मिलेंगे तो, जैसे किडनी फेलियर वाली दिक्कत या पैरों में पानी जम जाना दिक्कत है, ये सारी दिक्कतों को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो पहले इन्होंने जो पहले डायबिटीज़ पे आते हैं, याद कीजिए, याद रखिए, आप जब जन्म लेते हैं तो हेल्दी जन्म लेते हैं, लेकिन पहले डायबिटीज़ बनता है और वो चलता है कुछ सालों तक, और तब जाके किडनी फेल होता है। यानी कि हेल्दी से किडनी फेल तक हम पहुंच जाते हैं। तो शुगर जब होता है, वहीं अगर उसको रोक दिया जाए तो किडनी फेल में नहीं जाएंगे। तो किडनी फेलियर तक ना पहुँचने के लिए, जहाँ भी आपका डायबिटीज़ है, जहाँ भी आपका BP है, उसको वहीं रोकना है, या अगर मोटापा है उसको वहीं रोकना है। उसको रोकने के लिए ये है दवाई। तो दवाई मैं खोल रहा हूँ एक एक करके। सबसे पहले सुबह 12 बजे तक जो भी आप खाएंगे वो ये खाएंगे जो यहाँ देख रहे हैं। 3 से 4 तरह के फल खाने हैं। जितना ज़्यादा मीठा फल होगा उतनी जल्दी डायबिटीज़ ठीक होगा। कितना आपके बॉडी के वेट के अनुसार, मान लो मेरे बॉडी का वेट 70 kg, तो एक शून्य लगा दीजिए, 700 ग्राम फल खाना है कम से कम 12 बजे तक। यानी कि 12 बजे तक तो कुछ और नहीं खाना है। स्टेप 1। स्टेप 2, जैसे ही लंच का टाइम हो गया तो लंच में आपको खाना है सलाद। प्लेट 1। प्लेट 1 में सलाद में पहले तो जितना आपका बॉडी वेट है × 5, दैट मच ग्राम्स ऑफ सलाद। मेरा बॉडी वेट है 70 kg, × 5, दैट बिकम 350 ग्राम्स, 350 ग्राम सलाद। और इतना खाने के बाद प्लेट 2 में घर में बना हुआ जो भी रोटी सब्जी दाल चावल है आप खा लेंगे, दैट बिकम्स प्लेट 2। ये लंच है जो मैं देख रहा हूँ, और यही डिनर है। डिनर को 7 बजे से पहले फिनिश करना है, और जैसे आप देख रहे हैं हमारे पेशेंट धूप में बैठे हैं, धूप में बैठना 1/2 घंटे। अगर आपने ये किया और कहीं 3 से 7 दिन तक कर दिया, मजबूरी में आपको शुगर की दवाई, BP की दवाई घटानी पड़ेगी, इंसुलिन को टेपर डाउन करना पड़ेगा, और कुछ समय में इंसुलिन भी ज़्यादातर पेशेंट का छूट ही जाता है, पूरा छूट जाता है। टाइप 1 में अबाउट 40% पेशेंट का पूरा छूट जाता है। 60% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका 10% इंसुलिन फिर भी रह जाता है। तो ये सारा कुछ है। वो पेशेंट जिनका इंसुलिन रह गया है, मतलब ये सब करने के बाद भी फ़ायदा पूरा नहीं हो पा रहा है, अभी भी इंसुलिन लेना पड़ रहा है, ऐसे पेशेंट हैं आप में से, तो वो लोग जिनको अभी भी इंसुलिन लेना पड़ रहा है ये सब करने के बाद भी, वो भी 1 महीना 2 महीने करने के बाद, तो ये एक और मेडिसिन है। तो इसको जोड़ देंगे, इसमें अगर ये जुड़ जाएगा तो इंसुलिन छूटने की संभावना कम से कम डबल हो जाएगी। और वो है लंच और डिनर से पहले आपको पत्ते खाने। कितना पत्ते खाने? आपके बॉडी के वेट के अनुसार। मान लो मेरा बॉडी का वेट है 70 kg, तो उसको ग्राम कर लीजिए, 70 ग्राम पूरे दिन भर में 70 ग्राम पत्ते खाने हैं। पत्ते खाएंगे तो पत्ते आपके बॉडी में इंसुलिन बनाएंगे। पत्ते कौन से पत्ते हैं? धनिया के पत्ते, पुदीने के पत्ते, पान के पत्ते, गोभी के पत्ते, जो पत्ता आप खा सकते हैं वो पत्ता लीजिए। और जितना मैंने वेट बताया उस वेट, यानी कि मुझे 70 ग्राम पत्ते खाने हैं पूरे दिन भर में, तो मैं क्या करूँगा, इसका आधा पत्ता यानी कि करीब 35 ग्राम पत्ता मैं लंच में ले लूँगा इससे पहले, और 35 ग्राम पत्ता मैं डिनर में ले लूँगा। तो ये है। और इसके अलावा अगर पूरे दिन भर में कुछ खाने का मन करे तो स्नैक्स के तौर पे आप देखिए, स्प्राउट्स हैं, नट्स हैं, डेट्स हैं। अब देखिए, खजूर है बहुत मीठा है, अंगूर है बहुत मीठा, या किशमिश है बहुत मीठा है। जितना मीठा होगा उतना आपके शुगर के लिए अच्छा होगा। मीठी चीज़ें अच्छी होती हैं अगर वो फल से आया या ड्राई फ्रूट से आया तो वो अच्छा होता है। अच्छा, क्या नहीं लेना है? सिर्फ 2 ही चीज़ नहीं लेना है, एक तो डेयरी प्रोडक्ट्स, एनिमल फूड, और दूसरा जो है पैक्ड एंड रिफाइंड फूड। इफ़ यू कैन डू इट, देन यू कैन नॉट बी अ पेशेंट ऑफ शुगर, चाहे आप इंसुलिन पे थे, चाहे आप कई सालों तक शुगर के पेशेंट रहे हैं। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया और आप दवाई लेते रहे, तो शुगर के पेशेंट के बाद आप किडनी के पेशेंट बन जाएंगे। यानी कि इट विल फेल योर किडनी, आपकी किडनी फेलियर हो जाएगी, और किडनी फेलियर होने के बाद बोल देंगे आप डायलिसिस पे जाइए, और डायलिसिस पे जाएंगे 1 साल बाद बोलेंगे आप ट्रांसप्लांट कीजिए, आप ट्रांसप्लांट करेंगे, और ट्रांसप्लांट करने की भी 1 साल बाद बोलेंगे आप तो एक और ट्रांसप्लांट कीजिए क्योंकि ये ट्रांसप्लांट भी फेल हो गया है। तो अभी हमारे हिम्स हॉस्पिटल में जो देख रहे हैं आप, या यहाँ पे जो देख रहे हैं, इनमें काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जो एक टाइम पे डायबिटीज़ के पेशेंट रहे थे और उसके बाद अब किडनी के पेशेंट बन गए हैं, तो यहाँ पे आए हैं। तो मैं आपको भी और जो लोग यहाँ पे हैं आप सबको भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि किडनी को ठीक करने के लिए ये डाइट प्लस
हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी हम देते हैं, यानी कि गर्म पानी के टब में बिठाते हैं ताकि किडनी दोबारा रिवाइव करे, और उसको रिवाइव करने के लिए 40 डिग्री टेम्परेचर पे अगर गले तक पानी में कोई बैठ जाता है 2 घंटे कम से कम, तो उससे किडनी रिवाइव करने लगती है। आपको कैसे पता चलेगा किडनी रिवाइव करने लगती है? आप देखेंगे जो पैरों में हाथों में स्वेलिंग है वो स्वेलिंग खत्म होने लगती है, जो यूरिन आउटपुट कम हो गया था वो बढ़ने लगता है, जो एनर्जी लेवल कम हो गई थी वो बढ़ने लगती है, जो उल्टियाँ आ रही थी वो उल्टियाँ बंद हो जाती हैं। कितने दिन में असर दिखता है? पहले दिन में असर दिखता है, चाहे वो डाइट की बात करें, चाहे वो हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी की बात करें, चाहे वो हेड डाउन टिल्ट थेरेपी की बात करें। तो आप अपने बीमारी के किसी भी स्टेज में अगर हैं, एट एनी स्टेज ऑफ योर डिजीज, चाहे वो डायबिटीज़ हो या हाइपरटेंशन हो या हार्ट डिजीज़ हो, किसी भी बीमारी में जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप खा रहे हैं, उसको रोक के यू स्टार्ट विद द DIP डाइट। दिस काइंड ऑफ डाइट इज कॉल्ड DIP डाइट। और ये डाइट जब शुरू करेंगे, साथ ही साथ आपके पैरामीटर, चाहे ब्लड प्रेशर के पैरामीटर, एक हफ्ते में नॉर्मली मैंने देखा कि वो कम हो जाते हैं इतना दैट यू हैव टू स्टॉप द और टेपर डाउन द मेडिकेशन। कोलेस्ट्रॉल के पैरामीटर करीब 1 हफ्ते से 1 महीने में वो नॉर्मलाइज हो जाता है। थायराइड के पैरामीटर करीब 1 महीने में नॉर्मलाइज हो जाता है। यानी कि अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं और अगर इस डाइट में आप हैं, तो 1 महीने से 3 महीने में थायराइड की दवाइयाँ पूरी तरह खत्म हो जाती हैं। सो दिस बिकम्स अ DIP डाइट एंड दिस बिकम्स अ मेडिसिन। तो ये मेडिसिन आप सबके घर में है, यानी कि आप सबके घर में ही हिम्स हॉस्पिटल है। तो ये मेडिसिन आप घर में खरीदिए, इसको खाइए, एंड आई एम श्योर आपको ना तो हिम्स की जरूरत पड़ेगी ना किसी भी हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी। इसी उम्मीद के साथ वी क्लोज दिस वीडियो। और जो लोग बूढ़े हैं, एक आखिरी बात, वो ये चबा नहीं सकते हैं, तो आप इन्हीं चीज़ों का स्मूदी बनाइए। एक मिक्सी खरीद लीजिए 700-800 रुपये का, इनको मिक्सी में डालिए, स्मूदी बनाइए और धीरे धीरे पीजिए। अगर वो तेजी से पिएंगे तो वो बनेगा फूड, अगर वो धीरे धीरे पिएंगे तो बनेगा मेडिसिन। सो दैट कंप्लीट्स द मेडिसिन विच कैन हेल्प यू टू रिवर्स द डिजीज एंड कीप यू फ्री ऑफ ऑल द डिजीजेस। धन्यवाद, थैंक यू।